फोन डालते हैं, आई एस पी का है बुला जरा। ये गड़बड़ अवैध रेता फेला का धंधा करे सही कर दो सबको, बेईमानी करने वालों को छोड़ना नहीं है अपन, वो भी हमको करना पड़ेगा। अब आपको मैं देख लूंगा यार। देखिए ये जन भावनाएं हैं, ईमानदारी से कोई काम करें, कायदे से काम हो तो रेत जरूरत है जानी चाहिए, लेकिन कोई अवैध करे गड़बड़ करे तो उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान सीधे निर्देश दे रहा है यहां से। और एक बात और, जो गरीब आदमी है प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाए तो आधे पैसा रेत ही में लग जाए। अब प्रधानमंत्री, मैं बहुत जल्दी नीति बना रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना या बिल्कुल गरीब आदमी कोई मकान बनाए तो रेत अब फ्री में दी जाएगी उसको। अपना क्षेत्र शानदार चलना चाहिए, और नहीं तो पता चले कि रेता दूसरे ढोड़ रहे हैं और आरोप मामा पे लग रहे हैं, जो देखो वो आरोप ठोंक देता है। और ये ठोंकने वालों को भी ठीक ठाक करो, गड़बड़ करने वालों काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। पैसे के मैंने ढेर लगा दिए, इतने विकास के कामों के लिए कभी स्वीकृत हुआ है क्या? एक पूरी गंभीरता से पूरे विधानसभा क्षेत्र में, बेटी बैठ जाए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक पूरी साइकिल बना के समस्या निवारण शिविर लगा के एक समस्या जो हल हो सकती हो या एक लाभार्थी जिसको लाभ दिया जा सकता हो, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, ताकि गांव पर उनको सेवाओं का लाभ मिले, कुछ गांव का समूह बना ले। और भाई जो अफसर यहां पे हैं, जो मेहनत कर सकता हो बताओ वो रहेगा, और नहीं कर सकता तो मैं उसको बदल के दूसरा ले आऊंगा, या काम करना पड़ेगा, जनता की सेवा में दिन और रात लगना पड़ेगा। कहा एडमिशन होगा, पूरी फीस की व्यवस्था मामा करेगा। और एक कलेक्टर हमारे हैं, छांट के लाया हूं इस बार कि खूब काम करें, हर महीना रोजगार मेला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।